यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं ने रूस और चीन से वादा किया है कि उनके तिजारती जहाजों को बहीरा अहमर में निशाना नहीं बनाया जाएगा। गजा में जारी लड़ाई के दौरान फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी और यकजहती के लिए हौसी मलेशिया ने बहीरा अहमर में अमरीका समेत मुतअद्दिद ममालिक के ऑयल टैंकर्स और दीगर तिजारती जहाजों को रॉकेटों और मिसाइलों से निशाना बनाया है। हौसी मलेशिया के हमलों के बायस मुतअद्दिद बड़े कारोबारी इदारों ने अपने जहाजों को बहीरा अहमर से गुजारना छोड़ दिया है। इसके नतीजे में दुनिया भर में माल की तरसील मुतासिर हुई है। मास ममालिक में तवानाई के बहरान को इस सूरत हाल ने मजीद खतरनाक बना दिया है। रूसी नशरियाती इदारे आइजविस्तिया से इंटरव्यू में हौसी मलेशिया के रहनुमा मोहम्मद अलबकीती ने कहा कि जो ममालिक इसराइल या किसी और मुतनाज़ा मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते उनके जहाज यमन के पानियों में महफूज है। हौसी मलेशिया के रहनुमा का कहना था कि रूस, चीन और चंद दूसरे ममालिक के जहाजों को बहीरा अहमर में कोई खतरा नहीं है। इसराइल की हिमायत और मदद करने वाले ममालिक के जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। हौसी मलेशिया का कहना है कि चंद खास कौमियतों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ताहम एक अमरीकी नेवी कमांडर का कहना है कि जिन जहाजों को रॉकेटों और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है उनका दर्जनों ममालिक से ताल्लुक है।